जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मेरा आप सबको विनम्र अनुरोध है कि आज के दिन भगवान से बिना किसी स्वार्थ से प्रे कीजिए। भगवान से बोलिए कि प्रभु, मैं आपको निष्काम तरीके से प्रेम कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं, मेरे हृदय के जो भी कलमश हैं, खामियां हैं, सब दूर हो जाए, ताकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्रेम कर सकूं। जिस तरह से हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह से भगवान को अपना समझकर खुशी से भगवान को जन्माष्टमी के दिन स्मरण कीजिए। सिर्फ इंद्रियों से नहीं, मन से, हृदय से, पूरे लगन से, पूरा का पूरा दिन आज भगवान के नाम कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए, प्रेम से याद कीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि आप भूखे रहें और पूरा दिन खाने के बारे में सोचते रहे। इससे अच्छा व्रत ना रखें, लेकिन प्रेम से भगवान को याद करें, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान आपके हर कार्य के पीछे का जो इंटेंशन है वो देखते हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए पूरे भाव से भगवान से प्रे कीजिए, बिना किसी स्वार्थ से भगवान से प्रे कीजिए। आज का दिन, जन्माष्टमी का दिन, सिर्फ भगवान के नाम कीजिए। साल में एक बार इतना तो कर सकते हैं। दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, भगवान को स्मरण करते रहिए, और कोई भी गलत वचन ना बोले, गलत भावनाएं मन में ना लाए। आज का दिन चलिए एक साथ मिलकर पवित्र बनकर रहते हैं। जय श्री कृष्ण।